क्या करेगा। किसी को शुगर है तो शहद का आपने भोग लगाया तो उसका शुगर कम होगा। किसी को माथा में सिर में दर्द है तो जो आपने मिश्री का भोग लगाया माता जी को उसमें थोड़ा सा हलवा डाल दीजिए, हलवा और मिश्री का भोग लगाइए, आप देखिए ना कैसे सर का दर्द हटता है। किसी को पेट का दर्द है, बहुत सारी चीजें हैं, पथरी है, तो ऐसे लोगों को भुआ की बलि जरूर दीजिए भगवती के सामने। मूर्ति पूजा जहाँ हो रही है वहाँ जा करके कि महाराज जी मैं भुआ ले आया हूँ, मेरे पेट में इस तरह का रोग है, ऐसा है ऐसा है, इसके लिए मैं ये करूँ। बहुत सारे रोग के लिए तो समझिए रामबाण है, लिखा ही है, संतान न हो एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्युतः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। इसमें संशय है ही नहीं भगवती, इसमें कोई संशय नहीं करना है। जिसको संतान नहीं है वो सर्वा बाधा मंत्र से अपने घर में ब्राह्मण को बुलाए, संपूट पाठ करे, पहले भगवती का कल स्थापन करके पूजा पाठ करे, फिर संपूट पाठ कराए ब्राह्मण से, देखिए कैसे संतान होता है। परिवार में मनमुटाव रहता है, महिलाएं अपने पति के सुख के लिए जिस बच्ची की शादी नहीं हो रही है वो बच्ची वो या उनकी माँ अपने बच्चे के नाम से संकल्प करके परिवार वाले लोग देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिखो जय। इस मंत्र से अगर व्यक्ति पाठ कराता है संपूर्ण पाठ तो निश्चित उस बच्चे की शादी होगी। और रोग के लिए अगर घर में पाठ कराना है कि परिवार में बड़ा रोगी होता है, बड़ा लोग बीमार पड़ते हैं, तो रोगा न शेषा न पहांसी तुष्टा रुष्टा तु कामा न सकला न भीष्टा त्वामाश्रिता नाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता याश्रयताम प्रयांति। इस मंत्र से रोग के लिए पाठ कराइए। देखिए भगवती ने भगवान ने सारी व्यवस्था बना रखा है आपके धर्मशास्त्र में। सनातन धर्म तो एक ही है, धर्म एको सनातना, बाद में तो मजहब है, संप्रदाय है, ये सब है। तो मैं आप सबों से यही आग्रह करता हूँ, हर सक प्रयास करें आप लोग इस तरह से इस विधि से अपने घर में निशा पूजा करें। तो निशा पूजा होती है उसमें बलि भी दी जाती है उस समय निशा पूजा में। तो मैं पहले जो गृहस्थ लोग हैं उन गृहस्थ लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर में कलश बिठाए और आपकी इच्छा है कि हमको भी क्या कहते हैं निशा पूजा करनी है, तो आप अपने घर में कलश की स्थापना किए होंगे, उसके बाद आप अगर मूर्ति न हो, पत्थर की मूर्ति हो अगर आपके घर में, या फोटो बनाए हो, तो पहले जल से उनको फोटो पर, कागज वाले फोटो पर पानी नहीं चढ़ाया जाता। अगर प्रस्तर की मूर्ति है, सोने की, चांदी की, पत्थर की, लोहे की, और जिस चीज़ की मूर्ति भगवती की है, आठ प्रकार की मूर्ति होती है, तो आठों प्रकार में आपके पास जो उपलब्ध हो उस मूर्ति को सामने रखिए। पहले उनको स्नान कराइए जल से, फिर गंगाजल से स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान करा करके फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए गंगा जल से, गंगा जल के बाद फिर साधारण जल से मत स्नान कराइएगा। फिर उनको वस्त्र लपेटिए, छोटा जितनी बड़ी मूर्ति हो उसी के अनुसार उनको वस्त्र लपेटिए, उनको चंदन लगाइए माता जी को, उनके उनको माथे में अक्षत साटिए, अक्षत चढ़ाइए लगाइए, उनको सिंदूर है, काजल है, हाँ इत्र है, जो कुछ भी है सबको बढ़िया से सजा करके, और तब माता जी को धूप दिखलाइए, अगरबत्ती दिखलाइए, घी का दीपक दिखलाइए, कपूर दिखलाइए, और उसके बाद उनको भोग लगाइए। एक बात ध्यान देने योग्य बात है, जो आदमी निशा पूजा करता है तो निशा पूजा करने वाले लोगों के लिए, निशा पूजा करने वाले लोगों के लिए जो व्यक्ति चाहता है कि हमको कुछ जैसे किसी के घर में मान लिया जाए पति पत्नी में कुछ मनमुटाव रहता है, विवाद रहता है, भाई भाई में रहता है, बहुत सारे लोगों में परिवार में पारिवारिक झमेला बहुत कुछ रहता है, ऐसे लोगों को जो पति पत्नी में मनमुटाव हो ना, ऐसे लोगों को त्रिमधु का भगवती को भोग लगाना चाहिए। जैसे आप त्रिमधु समझेंगे नहीं, आप पहले होता है शहद, शहद में डाल दीजिए मिश्री और मिश्री में डाल दीजिए किशमिश, आई तीनों को एक जगह करके मिला करके माता जी के सामने रखिए, और रख करके माता जी का तो बहुत नाम है, हजारों नाम है, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो 100 नाम निकाल लीजिए, नहीं तो कम से कम 9 नाम तो आपको मालूम है ही है, प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रतिष्ठिता। इन नामों को क्या कागज पर लिख लीजिए, और एक एक नाम से ओम शैलपुत्रियै नमः,
आपके हाथ में जो त्रिमधु है उसको आगे वाले पत्ते पर दोना में आप रखते जाइए। जो नाम आपको याद हो उतने नाम को, अगर न पुस्तक हो न व्यवस्था हो तो आप जितना नाम जानती हो या जितना नाम आप लोग जानते हो, तो माता जी को त्रिमधु से भोग लगाने से माता जी प्रसन्न होती है और घर परिवार में झगड़ा विवाद नहीं होता है, मनमुटाव नहीं होता है। और उसके बाद माता जी को उस रात्रि में कम से कम रात्रि का 11 बजना चाहिए, यदि ध्यान दीजिए निशा पूजा है तो 11 बजे रात्रि में जब लोग भोजन पानी करके निश्चिंत होता है उसके बाद आप अपने घर में जाइए। आप व्रती हैं, व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आप 11 बजे रात्रि के बाद आप भगवती के सामने आसन लगाइए, जल रखिए, चंदन रखिए, फूल रखिए, हर एक व्यवस्था रखिए, पान सुपारी सब कुछ रखिए, लौंग इलायची रखिए। बहुत लोग जो चाहे तो शहद बीच में रखे और शहद में लौंग रखे, लौंग शहद में डुबा करके माता जी को रखते, जितना नाम से जानते हो ओम शहद में डुबावे, ओम काली नमो, भगवती नमो, दुर्गाई नमो, महाकाली नमो, महालक्ष्मी नमो, माँ सरस्वती नमो करके माता जी के सामने आगे वाले दुर्गा में रख दे, तो इससे भगवती की विधिवत पूजा होती है। बहुत लोग जिसको संतान नहीं है ऐसे लोग क्या करें, तो ऐसे लोग जो मूंगफली है, मूंगफली बादाम को कहते हैं, वो बादाम अथवा काजू अथवा इस तरह के जो फल हैं ड्राई फ्रूट्स टाइप के, उसको आप शहद में डुबा करके सामने रखें। जब सब हो जाता है वैसे ही ओम दुर्गा जी नमो, भगवती नमो, काली नमो, महाकाली नमो, ओम इस तरह से आप रखिए। विधिवत पूजा पहले हो चुकी है, अब इस तरह के माता जी की पूजा करके और तब माता जी को कपूर की आरती कीजिए। कुछ भजन गाना हो तो आप अपने मन से भजन गाइए और भी लोगों को, जब भीतर की पूजा हो जाए। अब पूजा के बाद बलि होती है, ध्यान दीजिएगा, इसमें निशा पूजा जब होगी तो भैया क्या बलि करेंगे, बलि का आरती होता है, बलि प्रसन्न धातु है, उससे बलि मैंने होता है खुश होना, तो माता जी को आप कैसे खुश करेंगे आशीर्वाद के लिए, तो माता जी को एक नारियल दीजिए और नारियल लेकर के माता जी के सामने फोड़ करके नारियल को डुबा करके और कपूर रख करके जला करके माता जी के सामने रख दीजिए। फिर जल हाथ में लेकर के चारों तरफ ऐसे करके हाँ घुमा करके 3 बार और फिर माता जी को प्रणाम कर लीजिए और तब कपूर की आरती कीजिए बलि करने के बाद। बहुत जगह जी को 11 बजे के बाद आप लोग निशा पूजा करें, ये 2022 धर सक प्रयास करें, आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और माता जी का आशीर्वाद। हम भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि जितने भी लोग हमारी वाणी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और फाइनल पोस्ट को लाइक करें, फाइनल पोस्ट को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यही मैं आपसे आग्रह करता हूँ।